केकेआर के कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव। हाँ, आपने जो सुना बिल्कुल ठीक सुना, सही सुना, वाजिब सुना, यही हर जगह चर्चा हो रही है। रिपोर्ट बाहर निकल कर आई है और बेहद ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बाहर है कि सूर्य कुमार यादव आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हो सकते हैं, क्योंकि शाहरुख खान ने ठान लिया है। और आपको पता है कि शाहरुख खान अगर ठान लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, वो बड़ा अक्सर करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस और आरसीबी जैसी टीमें बड़े बड़े खिलाड़ियों की ट्रेडिंग कर रही थी तो शाहरुख खान अपना दिमाग चल रहे थे, शाहरुख खान अपनी चीजें करते हुए दिख रहे थे। और वहां पर आपने देखा कि उन्होंने गंभीर की ट्रेडिंग की, मास्टरमाइंड का ट्रेड किया, क्योंकि उनको अपनी टीम पर भरोसा था, अपने खिलाड़ियों पर भरोसा था, सिर्फ और सिर्फ उन खिलाड़ियों के अंदर उनको जीत की मानसिकता लानी थी, चैंपियन बनने का भूख भरना था, चैंपियन बनने की मानसिकता बनानी थी, और गंभीर के अलावा कोई नहीं कर सकता था, ये शाहरुख खान जानते थे। और उन्होंने खिलाड़ियों का नहीं बल्कि मेंटोर का ट्रेड किया और अपने टीम को, अपने फ्रेंचाइजी को चैंपियन बनाया। और यही सिलसिला आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स करने वाली है। ये रिपोर्ट आई है कि शाहरुख खान ने ब्लैंक चेक का ऑफर दे दिया है, सूर्य कुमार यादव को संदेश भिजवा दिया है कि ब्लैंक चेक का ऑफर है, जितना भरना है इस चेक में अमाउंट भर लो और आ जाओ कोलकाता नाइट राइडर्स में। सिर्फ और सिर्फ यही रिपोर्ट में नहीं आया कि सूर्य कुमार यादव को ये ऑफर दिया गया है, बल्कि ये भी बताया गया है कि सूर्य कुमार यादव कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान भी बनाए जा सकते हैं। हाँ, आप ये मानकर चलिए चाहे मुंबई इंडियंस में सूर्या हो, चाहे कोलकाता में हो, चाहे लखनऊ सुपर जायंट्स में हो, सूर्य कुमार यादव आईपीएल 2025 में कप्तानी करने वाले हैं, क्योंकि वो भारतीय टीम के कप्तान बन चुके हैं। उनका वर्चस्व इस वक्त T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है। अगर बात करें भारतीय क्रिकेट की तो ब्रांड सबसे बड़ा सूर्य कुमार यादव का है। तो इतना बड़ा ब्रांड, जो भारतीय टीम का कप्तान हो, वो अगर फ्रेंचाइजी बेस्ड किसी लीग का कप्तान ना हो, तो ये फिर उस खिलाड़ी के साथ जायज नाजायज हो जाएगा, उस खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और सूर्य कुमार यादव ये जानते हैं, वो जानते हैं ये कॉन्फिडेंस को उनको उनके धक्का पहुंचा सकता है, ये उनके खेल को प्रभावित कर सकता है। तो इन सभी चीजों को सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव ठीक कर सकते हैं। अब ये हो गया कि मुंबई इंडियंस ने बहुत किया मेरे लिए, तो मुंबई इंडियंस के लिए मैं खेलूंगा ही खेलूंगा, लेकिन कुछ चीजें अपने लिए भी करनी होती हैं। अगर वो मुंबई इंडियंस में हार्दिक के अंडर खेल गए या किसी भी टीम में किसी के अंडर खेल गए, तो वो उनके कॉन्फिडेंस को धक्का पहुंचेगा, सूर्य कुमार यादव के खेल को प्रभावित करेगा, भारतीय टीम की कप्तानी जो उनको मिली है उसको प्रभावित करेगा। और सूर्य कुमार यादव ऐसा नहीं होने देंगे, वो किसी न किसी फ्रेंचाइजी कप्तान बनेंगे। उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, उनका वर्चस्व भारतीय क्रिकेट में बढ़ा है। और अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो इस वक्त भारतीय टीम के और भारतीय देश के सबसे बड़े T20 क्रिकेटर। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़ा ऑफर दिया है, शाहरुख खान ने माना जा रहा है ब्लैंक चेक उनको भिजवा दिया है कि भर लो, जिस तरीके से गंभीर को उन्होंने ब्लैंक चेक भिजवाया था, जितना अमाउंट भरना है भर लीजिए, आप आ जाइए। वो ट्रेडिंग हुई थी, सूर्य कुमार यादव की भी ट्रेडिंग हो सकती है, सूर्य कुमार यादव को कोलकाता नाइट राइडर्स एक्वायर कर सकता है। हाँ, सवाल बड़े उठते हैं, सवाल बड़े इसलिए उठते हैं कि पहली बात, क्या सूर्य कुमार यादव को MI छोड़ेगी, क्योंकि MI भी चाहेगी कि सूर्या को रिटेन करें, सूर्या को कप्तान बनाए। सवाल दूसरा उठता है कि श्रेयस अय्यर का क्या, श्रेयस अय्यर के साथ कैसे शाहरुख खान नाइंसाफी करेंगे, जिस कप्तान ने उनको चैंपियन बनाया, जिस कप्तान ने ट्रॉफी जितवाया, उस कप्तान को वो कैसे हटाएंगे, क्या श्रेयस अय्यर KKR का दामन छोड़ेंगे, क्या होगा, ये सभी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार क्या कुछ ये IPL 2025 गुल खिलाने वाला है, क्या बड़े बदलाव बड़ी टीमों में होने वाले हैं। एक बदलाव तो तय है, सूर्य कुमार यादव आईपीएल 2025 में कप्तानी करने वाले हैं, किस फ्रेंचाइजी का करेंगे ये तो ऑक्शन टेबल पर पता चलेगा, ऑक्शन टेबल के बाद पता चलेगा। लेकिन आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि KKR के कप्तान
सूर्य कुमार यादव बनेंगे या नहीं बनेंगे, श्रेयस अय्यर फिर किस फ्रेंचाइजी में जाएंगे, किस फ्रेंचाइजी को वो लीड करेंगे, ये भी बड़ा सवाल बनता है। तो इन सभी सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दाग दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।